हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए बी शेप तीरे की कटिंग करने का तरीका बताएंगे, जो जेंट्स कुर्ते में आपने बैक साइड में देखा होगा पीछे, जो हम राउंड शेप जो हमारा शोल्डर होता है, तीरा होता है, उसमें जो हम लगाते हैं बैक में, तो उस तीरे की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लेडीज़ और जेंट्स सूट की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लाता रहता हूँ। तो हम अपने चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग ही सिखाते हैं दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए वीडियो को, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कुर्ते पजामे की कटिंग पहले ही कर रखी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुर्ते की कटिंग की हुई है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, तो अगर आपको फुल कुर्ते की कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो चाहिए, तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ या हमारे चैनल पर चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको सारी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट को हटा देना है, ठीक है, बैक को उठाना है। तो ये देखिए, हमने कुर्ते की कटिंग पहले ही ऑलरेडी कर रखी है, ये देखिए। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना होगा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही आसान सी ट्रिक बताई है मैंने, किस तरीके से राउंड शेप बनाते हैं, तो बी शेप तीरे की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, साइड से जो कपड़ा बचता है, उस कपड़े को हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और इस तरीके से करना है, जो हमारे कपड़े की जो कन्नी वाली, जो किनारे वाली साइड होती है, वो इस तरीके से होना चाहिए इस कपड़े की लेंथ में, लंबाई में। ठीक है, तो ये हमारा किनारा है, किनारे वाली साइड है, तो हमको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आप भी बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो ये देखिए, फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में है और खुली वाली साइड इधर है। ठीक है, इसी तरीके से हमें कुर्ते की बैक को रखना है इसके ऊपर इस तरीके से। अब ये देखें दोस्तों, इस तरीके से, ये देखिए, ये चीज़ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल, और यहाँ से जो कंधी है, यहाँ से कपड़ा, ये नीचे वाला कपड़ा छोटा ना हो, बिल्कुल बराबर होना चाहिए यहाँ से, इस तरीके से। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये देखिए, इस कपड़े की चौड़ाई करीब 8.5 इंच लेना है आपको। ये देखिए, 8.5 इंच और ये 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप, 8.5 और 8.5, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ से रख लेना है, बिल्कुल सही तरीके से, इस तरीके से हमने रख लिया है। ठीक है, तो इसको रखने की वजह ये है कि अब हम यहाँ से जो हमने बैक में राउंड शेप दिया होता है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है, यहाँ से इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी दोस्तों। ये देखिए, अब इसका जो क्रॉस है कंधी का, हमने कंधी डाउन की है, उसको भी हमने इसी शेप में ले लेना है इसको। ठीक है, ये देखिए, तो अब ये बिल्कुल यहाँ से नीचे से ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल। अब हम यहाँ से बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा एक सूत थोड़ा बढ़ाकर काट सकते हैं इस कपड़े को, क्योंकि जब हम इसकी पेस्टिंग करते हैं, तो कई बार ज़्यादा प्रेस हार्ड होने की वजह से कपड़ा थोड़ा छोटा भी हो सकता है तीरे वाला। तो ये देखिए, अब हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो अब इसको हमें बैक को यहाँ से हटा लेना है इस तरीके से। अब आप समझ लें, ध्यान से देखें, और इसकी स्टिचिंग करना है उसका भी, उस वीडियो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है बैक पर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये बहुत सिंपल सी ये चीज़ है, इसको समझ लें आप। अब यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ के लिए करीब 2 इंच रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2, और 1-2 इंच का निशान के लगाना है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है हमें। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है इसको, ये देखिए, और हमने इसको स्ट्रेट कर लिया दोस्तों। अब ये देखिए, अब इसका यहाँ से यहाँ तक जितना जितना भी इसका जितना बनता है, उसका हाफ मार्क लगाएंगे। जैसे 11 इंच है, तो 11 का हाफ होता है 5.5। ठीक है, जितना भी आपका शोल्डर तीरा होगा, उसका हाफ निशान लगाएंगे जितना, तो इसको हम 5.5 लगाते हैं। तो अब ये देखिए, हमने 5.5 को यहाँ से इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें राउंड किस तरीके से बनाना है हमें। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होंगे, अब यहाँ से शुरू करना है चौक से, इस तरीके से मार्किंग करते हुए जाएंगे और इस तरीके से यहाँ जाके मिला देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ध्यान से देखें आप इसको दोस्तों।
ये देखिए, ये देखिए मैंने इस तरीके से मार्किंग की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरीके से अब हमें यहाँ से इधर के लिए चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से राउंड शेप बनाते हुए चले जाना है इसका। तो मैं अब इन चौक के मार्क बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ताकि आपको सही से दिखेंगे, ठीक है, सही से दिखेंगे आपको। इस तरीके से हमने इसके शेप बना दिया है। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत राउंड शेप बना है इसका। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको तीरे को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसका शेप ये होता है, ओरिजिनल शेप यही है दोस्तों। अगर आप भी कटिंग करेंगे, अब आप ही देखिए कितना खूबसूरत तरीके से आया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है, आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को भी समझ लें आप, ठीक है। फिर मैं आपको बैक के ऊपर रख कर भी दिखाऊंगा उसको, ठीक है। अब आप इसमें एक काम और कर लें, इस क्योंकि हमें इसमें प्रेस से इसका मार्जिन मोड़ना होता है। तो ये देखिए, इसमें कट लगाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से, करीब 2 सूत के आधे इंच से कुछ कम, इस तरीके से। इस तरीके से आप जो राउंड है यहाँ पर कट लगाएंगे। मैंने कट क्यों लगाया ये भी बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका शेप आया है। तो अब क्या आपको ये देखिए, हमने कट क्यों लगाया, जब हम पेस्टिंग करें, जब हम प्रेस इसकी, देखिए इसका मार्जिन जो है, इसको हम दबाव को मोड़ते हैं करीब आधा इंच, ठीक है, आधे इंच से कुछ कम, जिसके एक पैर का बोलते हैं। तो इस तरीके से इस पर प्रेस से मोड़ते हैं। अगर ये हमने कट नहीं लगाए होंगे, तो यहाँ ये कपड़ा बिल्कुल सेट नहीं बैठेगा, या बिल्कुल सही नहीं आएगा। कट की वजह से ये कपड़ा बिल्कुल सेट बैठेगा, ठीक है। तो अब ये बैक पर लगने के बाद किस तरीके से दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बैक के ऊपर, ये देखिए इस तरीके, जब हम इसको लगाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों, लगकर ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये इसके सेंटर में इसकी, ये देखिए इस तरीके से लगकर आएगा दोस्तों। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई कम है, तो मैंने यहां से यहां तक इस कपड़े को 8.5 इंच चौड़ा काटा है, तो आप 7 इंच भी काट सकते हैं, 7.5 भी काट सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी कम कर सकते हैं। अगर कपड़ा आपके पास कम है, कपड़े की चौड़ाई कम है, तो आप थोड़ा कम भी काट सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। तो ये फुल साइज जो कुर्ता होता है, उसके लिए कटिंग करने का तरीका बताया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।